कुल्लू मनाली में देश भर के विभिन्न राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ी को बहाल कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से रोहतांग दर्रा के लिए सड़क बहाल करने के लिए BRO कार्य कर रहा है। DC कुल्लू तोरुल S. रवीश ने कहा कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ी पर्यटन गतिविधियों के लिए बहाल कर दिया गया है और अब मढ़ी में पर्यटक विभिन्न प्रकार की पर्यटन गतिविधियों का आनंद उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद रोहतांग दर्रा भी बहाल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मढ़ी से रोहतांग सड़क को बहाल करने में BRO की मशीनरी काम कर रही है और मौसम साफ रहने से रोहतांग की कनेक्टिविटी बहाल करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे पर NGT के निर्देश पर गुलाबा में वैरियर स्थापित किया है और मढ़ी में नाका स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि रोहतांग के लिए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग पर परमिट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मढ़ी में इको फ्रेंडली मार्केट में पर्यटकों के लिए खाने पीने के साथ साथ शौचालय की उचित व्यवस्था मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए कई प्रकार के एडवेंचर गतिविधियां भी शुरू हुई हैं। हमने रोड की इंस्पेक्शन के बाद मढ़ी तक सड़क को खोलने का निर्णय लिया गया ताकि जो हमारे पर्यटन है वो वहाँ विकसित हो सके और साथ ही साथ टूरिस्ट भी उस पॉइंट का आनंद उठा सके। मढ़ी के आगे जो आप रोहतांग दर्रे तक की बात कर रहे हैं, अभी कुछ काम रहता है। होपफुली इन अबाउट अ वीक हम इस रोड को रिस्टोर कर पाएंगे और कनेक्टिविटी ओवरऑल एस्टेब्लिश हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि वेदर ठीक है और कोई मेजर हिंड्रेंस काम में नहीं आती है। BRO इसको करने में लगी हुई है। रोहतांग टनल में NGT के बड़े जो ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लायंस में परमिट का सिस्टम और नाकों का सिस्टम, एक जो हमारा गुलाबा में रहता है एक एडिशनल पुलिस पोस्ट ऊपर लगाई जाएगी, दोनों को एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस ही हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इको फ्रेंडली मार्केट जो बनाई गई है उसको वी होप कि अब क्योंकि बन गई है तो इट शुड बी ओपन इन अ फ्यू डेज फॉर द पीपल टू एंजॉय। साथ ही साथ वहाँ पे बाकी कुछ एक्टिविटीज भी रहती है जो एज पर प्रॉपर परमिशन वगैरह अब वहाँ की जाएगी ताकि टूरिस्ट वहाँ का भरपूर आनंद उठा सके। पंजाब केसरी TV के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।